और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दे ब्लॉक द एंट्री ऑफ स्पॉर्म थ्रू द सर्विक्स। ये क्या करता है बेटा, आपकी स्पॉर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देता है, इंसेमिनेशन होने नहीं देगा। इंसेमिनेशन मतलब आपको पता है द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ स्पॉर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ऑल ऑफ यू क्लियर, इसको हम लोग इंसेमिनेशन कहते हैं। तो इंसेमिनेशन करने के लिए क्या करेगा बेटा, रोकेगा, ब्लॉक कर देगा, ठीक है ना। और ये रीयूजेबल भी होता है, फिर से इसको अगेन भी आप यूज कर सकते हो। और कुछ होता है स्पर्मासाइडल क्रीम होता है, जैसे कि जेली फॉर्म टाइप का, इसको यूज करते हैं बैरियर मेथड के टाइप में, ताकि दे कैन इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी। ये क्या करेगा बेटा, जो आप कोइटस करोगे आपकी स्पर्म की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा, ताकि ज्यादा समय तक आप सेक्स करके एंजॉय कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ताकि आप मतलब कोई परेशान होना नहीं है और कोई दिक्कत भी होगा नहीं आपको। यू कैन इजीली प्रिवेंट इन बैरियर मेथड के माध्यम से, सब आप अच्छे से जानते भी हो, ज्यादा इसके बारे में मैं कवरअप नहीं कर रहा हूँ, रिव्यू कर दे रहा हूँ, ऑलरेडी मैं पढ़ा दिया था, फिर से थोड़ा थोड़ा ये आपको मैंने बता दे रहा हूँ, जो लोग क्लासेस में नहीं थे उनको मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट मेथड जो है बेटा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, जो कि ये वेरी वेरी आईएमपी है, ये ऑलरेडी मेडिकल में एवरी ईयर क्वेश्चंस आस्किंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट। और ये कंट्रासेप्टिव मेथड की डायग्राम भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे कॉपर टी का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। और इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंट्रासेप्टिव मेथड टू यूज टू प्रिवेंट एंड स्टॉप द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आप देख सकते हैं। सभी को समीर जी, अविनाश मानती, दिव्यांशी बेटा, विश्वनाथ, सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, वेरी गुड। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बेटा, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर मेडिकल एंड बोर्ड एग्जामिनेशन, सो लिसन व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू। जो ये यूटेराइन डिवाइस जो होता है, इसको बेटा जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं या जो एक्सपर्ट नर्सेस होते हैं, ये लोग बेटा वेजिना के थ्रू से यूटेरस में इंसर्ट करते हैं। कहाँ पे इसको इंसर्ट किया जाता है रे, वेजिना से वेजिना में। वेरी गुड। तो इसका काम क्या है, ये फंक्शन याद रखिएगा, दे कैन इंक्रीज द फागोसाइटोसिस ऑफ स्पॉर्म। क्या है, स्पॉर्म की फागोसाइटोसिस को बढ़ाता है, स्पॉर्म की एफिशिएंसी को घटा देता है, ठीक है। तो कैसे घटाता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो ये मेथड ज्यादा करके यूज किया जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोकने के लिए, बार्थ कंट्रोल के लिए, और साथ ही साथ में प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग स्पेस चिल्ड्रन करने के लिए। मान लीजिए कल आपने शादी शुदा किए, मान लीजिए अविनाश मानती किसी लड़की से शादी किए, लेकिन अविनाश मानती नहीं चाहता कि तुरंत बच्चा पैदा कर ले, वो चाहता है कि यार मुझे 5-7 साल के बाद बच्चा पैदा कर। तो सिंपल सी बात है, मिस्टर अविनाश मानती आप 5 या 7 साल के बाद आप शादी कर लेते, लेकिन अविनाश मानती को ये है कि नहीं गो, मैं ब्याह भी है मी, मोजा भी नहीं मी, आ छुआ भी 10 बरस पर कर्मी बुटी बोले से कैसे तैयार क्या कर बोले से किसरे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस तुम्हें करी पर को स्पेस चिल्ड्रन लाइक तापने ईयर बाय ईयर गैप में आप 4-5 साल में एक बच्चा फिर से पैदा कर सकते। और उसमें क्या ज्यादा बेहतर होता है, जो मदर होता है अपना जो पोस्ट नाटल केयर होता है, आफ्टर पार्चुरेशन जो बच्चा का केयर करना होता है, जो प्रॉपर केयर करना होता है, वो प्रॉपर वे में वो कर सकता है, ठीक है, देखभाल कर सकता है अपना बेटा या बेटी का केयर कर सकता है। अगर तुरंत तुरंत हो जाता है तो बच्चा प्रॉपर फिट नहीं बन पाता है, उसको अपना मदर अच्छे से देखभाल नहीं कर पाता। तो ये है सो टाइप्स ऑफ आईयूसीडी। इंट्रा यूटराइन डिवाइस मेनली इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई इनटू हाउ मेनी टाइप्स, थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज मीडिएटेड आईयूडी, सेकंड वन इज प्रॉपर रिलीजिंग, प्रॉपर रिलीजिंग, थर्ड वन इज हार्मोन रिलीजिंग। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
जो नॉन मीडिएटेड आईयूडी है ये मेडिकल में सवाल पूछे गए हैं बेटा, ठीक है? तो याद रखिएगा ये मेडिकल में सवाल पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? नॉन मीडिएटेड आईयूडी का एग्जांपल बताइए क्या है बेटा? लाइपेस लूप होता है। क्या होता है? लाइपेस लूप। ये याद रखिएगा, दिस इज ए नॉन मेडिएटेड आईयूडी और आल्सो हैपेंस स्पर्मासाइडल इफेक्ट के लिए भी एक काम देता है। तो दे रिट्रेड द स्पर्मोर्टेलिटी को रिट्रेड कर देता है, घटा देता है, ताकि यू नो दैट द मेल गेमेट स्पर्म इज ऑलवेज मोटाइल एंड स्मॉलर इन नेचर बट द फीमेल गेमेट ऑब्यूम इज ऑलवेज लार्जर एंड व्हाट इज नॉन मोटाइल इन नेचर और मेल गेमेट जो होता है मोटाइल इन नेचर होता है, यू नो दैट वेरी गुड। सो एक कंट्रासेप्टिव मेथड का हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपको दिखा देना चाहता हूँ बेटा, इंट्रा यूटराइन डिवाइस में कॉपर रिलीजिंग आईयूडी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेडिकल के लिए, मेडिकल के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी तीन प्रकार का होते हैं बेटा। कितना प्रकार का होते हैं? थ्री टाइप्स का होते हैं। क्या क्या होते हैं? यूटी होता है, यू सेवन होता है, मल्टीलोइड थ्री सेवेंटी फाइव। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी का मेन फंक्शन मेडिकल में याद रखिएगा, सीयूटी सेवन, यू सेवन, मल्टीलोइड 375, पेलेंजी 20। व्हिच वन इज नॉट ए एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी? एलएनजी 20। वेरी गुड। तो बेटा यहाँ पे सीयूटी, सीयू सेवन, मल्टीलोड 375, ये देख सकते हो डायग्राम, टी शेप का होता है, इसको यूटेरस में वेजिना के थ्रू से इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि कॉपर आयन को रिलीज करेगा, और वो कॉपर आयन का काम क्या है? दे कैन सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ स्पॉर्म एंड स्पॉर्म की जो कैपेसिटी होता है फर्टिलाइजिंग करने का उसको घटा देता है, वो स्पॉर्म की मोटिलिटी को घटा देगा। मानिनियो तुम्हें फेविकोल की फेविक्विक रे लटको छैती पेन मेली दवार लटकाबो जे लटकीबा के हेंता कथा स्पर्म रो मोटिलिटी जेंटा थिसि सेतकी दरकार सेतकी स्पर्म रो मोटिलिटी नी हेले चिपको मूवमेंट हे नी पारे से ओभ्यूम संगे चिपकी नी पारे बुझलो कि नाही ग ओ यस सर ओटी सीयू 7 मल्टीलोड 375 याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा मेडिकल और बोर्ड एग्जाम के व्यू पे। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग फटाफट देखिए हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ये भी मेडिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। देख सकते हैं आप लोग क्या क्या है बेटा, जल्दी बताओ। हार्मोन रिलीजिंग में दो टाइप का होता है बेटा, एक होता है प्रोजेस्टेटर, दूसरा होता है एलएनजी 20 बेटा, ठीक है? ये भी क्या करता है, दे मेक द यूटेरस टू अनसुइटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन। आफ्टर जायगोट परमिशन क्या होता है बेटा, क्लीवेज होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। क्लीवेज होने के बाद क्या होता है, 2 सेल स्टेज 4 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज 16 सेल स्टेज ब्लास्टोमर्स बनता है, ब्लास्टुला बनता है कि नहीं, मोरूला ब्लास्टुला। तो ब्लास्टोसिस्ट जो अटैचमेंट होता है यूटेरस के साथ उसको क्या कहते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट विद यूटेरस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। तो बेटा क्या है, ये यूटेरस को अनसुइटेबल कर देगा ताकि वो ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट नहीं करेगा, उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए जगह नहीं देगा, प्रोसीड नहीं करेगा। तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना? हाँ। अब बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, यहाँ पे देख सकते हैं बेटा आपको ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। व्हिच मेथड? ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। दिस इज हाइली एसेंशियल, हाइली इम्पोर्टेंट, बिकॉज दिस क्वेश्चंस ऑलरेडी कम इन योर प्रीवियस ईयर मेडिकल एंट्रेंस and previous years board exams also. तो बेटा एक टेबलेट पिक्चर को देखो, अच्छे से देख रहे हो ना बेटा पिक्चर को, मैं जो बता रहा हूँ ना, देख रहे हो ना, आपको दिख रहा है ना ये वाला पिक्चर जो टेबलेट सब।
तो बेटा पिक्चर में देख सकते हैं, ये ओरल पिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, ओरल पिल्स कहते हैं पिल्स। तो बेटा बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड क्या जाता है, तो बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड कौन सा है बेटा, कौन सी है, साहेली इज द बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव। क्या है, साहेली इज द बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव। इसको किसने डिस्कवर किया था मेडिकल आएगा, सेंट्रल ड्रॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कौन, सेंट्रल ड्रॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, सेंट्रल ड्रॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में, लखनऊ। इसको एक फीमेल डॉक्टर ने डिस्कवर किया था, ताकि प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन हार्मोन का कॉम्बिनेशन को लेके उन्होंने ये ओरल पिल छोटे छोटे टेबलेट बनाया था। तो आपको मेडिकल में यहाँ तीन चार सवाल आ सकते हैं। पहला सवाल है बेटा, देख सकते हो, कौन सी हार्मोन की मदद से ओरल पिल्स बनाया जाता है, किसका कॉम्बिनेशन से, प्रोजेस्ट्रोजन या जाता है। अब दूसरा है, यहाँ पे आपको सवाल पूछेगा बेटा, आफ्टर मेस्ट्रुअल साइकिल, पहला सात नंबर दिन जाने के बाद 28 से 7 माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा रे बेटा, 21। तो नेक्स्ट 21 डे तक फीमेल को मेंस होने के बाद 21 डे तक अगर फीमेल को ये ओरल पिल्स अगर डेली एक 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 गोली खाने के लिए दे रहे हो, तो क्या होगा बेटा, आपको फर्टाइल पीरियड पे भी अगर कोइटस करेंगे, फर्टाइल पीरियड पे भी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तब भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। Is it clear what I am talking to you, ji? Yes, sir. Medical में सवाल पूछेगा, medical में सवाल पूछेगा, आपको यहाँ पे पूछ सकता है, pills are taken daily for 21 day, ठीक है? After first 5 to 7 day of menstrual cycle, pills को 21 day तक use करते हैं, ताकि ये prevent करता है conception। क्लियर ऑल ऑफ यू, इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, और दे कैन प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पॉर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्लियर क्लियर, जल्दी आपका केमिस्ट्री होने वाला है और दो मिनट खत्म हो जाएगा। तो ओरल कंट्रासेप्टिव में देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है ना, साहेली इज द बेस्ट ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड। क्लियर ऑल ऑफ यू? जो ये टेबलेट गोली गोली वाला देख सकते हो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में बनाया गया था, नॉन स्टेरॉइड प्रिपरेशन है, वंस ए वीक पिल विद एवरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होता है, मतलब वंस ए वीक में अगर लो चांसेस। और इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, यहाँ देखो 72 आवर्स मैंने लिखा है बेटा, 72 आवर्स मतलब क्या है बेटा, अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है या केनो गैंग रेप ही गला काना गुटे ही गला, फीमेल के फर्टिलाइजेशन वाले 2-3 दिन लगभग स्पर्म के, मतलब तुम्हें 72 घंटा भीतर 3 दिन भीतर जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दे देलो, ओरल पिल्स से टुकेल के खाई देलो, मतलब से स्पर्म के आउ फर्टिलाइज करी नी दिए से ताके सप्रेस करी दबा, बुझलो गो बाबू माने नोनी माने गो। तो इटा गोटे मेडिकल क्वेश्चन है, बोर्ड क्वेश्चन है, कितने दिन, 72 आवर्स अनवांटेड प्रेगनेंसी या रेप केसेस में 72 आवर्स हम लोग यूज करते हैं, याद रखिएगा। और दो स्लाइड है, पांच रे इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल बोले बेटा इटा देखो बीड़ी बीड़ी लिखे इम्प्लांट करसू का ना, इम्प्लांट इटा की करसू, हमें स्किन रे इम्प्लांट करसू, स्किन स्किन में इसको इम्प्लांट कर सकते हो, ठीक है? जो एपिडर्मल सेल्स है स्किन में इसको इम्प्लांट करोगे, तो इसमें क्या होता है बेटा, आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या होता है, अरे बताओ रे जल्दी रे, इसमें प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन, एस्ट्रोजन की कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है ए भी, और इसको ज्यादा करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जी, इसको अपन यहाँ पे क्या करते हैं देख सकते हैं, फीमेल आज इंजेक्शन और इम्प्लांट अंडर द स्किन, फीमेल का केसेस में हम लोग इनका स्किन के अंडर में इसको इम्प्लांट करते हैं,
और ए क्या करेगा, देयर मोड ऑफ एक्शन इज लाइक दैट ऑफ पील्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच मच लॉन्गर। ये भी मतलब प्रोजेस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है, बट ये स्किन में इंसर्ट किया जाता है, इम्प्लांट किया जाता है, और ये मतलब ओरल पिल्स जैसा काम करता है, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा समय के लिए मतलब प्रिवेंटिव मेथड के लिए काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो IUDR यूज इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव। तो मेडिकल में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के लिए किसको यूज करते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं ओरल पिल्स को, सहेली ओरल पिल्स को। कौन सी हार्मोन्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन ओस्ट्रोजन के कॉम्बिनेशन से बनता है, और 72 आवर्स आफ्टर कोइटस 72 आवर्स के अंदर इसको हम लोग फीमेल का केसेस में यूज कर सकते हैं, ताकि जो रेप या कैजुअल इंटरकोर्स हो गया हो तो केसेस में हम इसको इंसर्ट करके रोक सकते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर। लास्ट मेथड देख लीजिए, सर्जरिकल मेथड। क्या है सर्जरिकल मेथड? ग्रुप में कोई एक मैसेज पोस्ट करो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ग्रुप में पोस्ट करो कि केमिस्ट्री सर लॉग इन कीजिए, एक ग्रुप में पेस्ट पोस्ट करो, कोई भी राशेस पर या अविनाश कोई भी, केमिस्ट्री सर लॉग इन कीजिए। अरे ये सर नो सर, तुम लोग तो शायद कौन सा दुनिया से आए हो पता नहीं चलता है मुझे, खाते पीते हो या नहीं घर में भी पता नहीं। तो देखो बेटा यहाँ पे देखो क्या है, सर्जरिकल मेथड, स्टेरिलाइजेशन मेथड कहते हैं, रिवर्सेबल मेथड है, देख सकते हैं बेटा, है ना, सब सबको दिख रहा है ना? नहीं अरे देखिए बेटा यहाँ पे सर्जरिकल मेथड जो है, स्टेरिलाइजेशन मेथड आप लोग कह सकते हैं जी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इट हेल्प टू ब्लॉक द गैमेट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट द कंसेप्शन। ये सर्जरिकल मेथड अगर कीजिएगा आप, फेलोपियन ट्यूब को फीमेल में या वास डिफरेंस को मेल में अगर कॉट करके टाइड अप कर दीजिएगा, तो आपको क्या है दोनों गैमेट को मिलन करने नहीं देगा। तो ये हाईली इफेक्टिव मेथड है, जो कि अभी सबसे अधिक ये मेथड यूज हो रहा है ना। तो टाइप्स ऑफ सर्जरिकल मेथड, वन इज द वासेक्टोमी, अदर वन इज द ट्यूबेक्टोमी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेटा आगे, यहाँ पे देखिए ये बेटा जो है वासेक्टोमी क्या है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल में। हम लोग यहाँ पे देख रहे हो मेल में क्या कर रहे हैं, वास डिफरेंस को कॉट कर रहे हैं। डायग्राम में देख सकते हो बेटा यहाँ पे कितना सुंदर सा डायग्राम है, सभी को दिख रहा है रे? तो क्या है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल। एचएससी वालों के लिए भी है, बोर्ड एग्जाम में अढ़ाई मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है, या डिस्टिंग्विश बिटवीन में पूछ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो लिखना स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल, ट्यूबेक्टोमी इज द स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल। इसमें क्या है, ऑल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस को कॉट किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, करके टाइड अप कर दिया जाता है बेटा। ऑल ऑफ यू क्लियर ना? Yes, यहाँ में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अगर वासेक्टोमी किया गया, अगर वासेक्टोमी किया गया तो स्पर्म फॉर्मेशन होगा कि नहीं रे? होगा सर, होगा सर, होगा सर, होगा। अब कोइटस को ले तामने से जोश लगवा कि नहीं लगवा? क्या है लाजी की सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगे, दे कैन हाईली responsible to make the seminal fluid. क्या बनाते हैं वो लोग, seminal fluid. Seminal fluid. क्या क्या होता है, fructose होता है, fructose होता है, certain enzymes होते हैं. Yes? Yes. Very. Yes, sir. सबु मुढ़ माने सोले एचिल लॉगिन करूछन biology class हेतकी बेलू हला लॉगिन करो रे बेली नी करले डबल डबल पढ़ा आउ नी पढ़न सेटा केवल बसित मानस सर नहीं पढ़ा रिप्रोडक्टिव बसित पिटब। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में आपका क्या है जी, ये भी एक स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस है बेटा, और इसमें हम लोग ज्यादा करके क्या करते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे फेलोपियन,
यहाँ पे हम लोग फेलोपियन ट्यूब को कॉट करते हैं, ये सर नो yes, आप देखो यहाँ पे लिखना स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इन फीमेल, फेलोपियन ट्यूब को कॉट करके टाइड अप किया जाता है ताकि यहाँ पे ओव्यूम के पास आपका स्पॉर्म नहीं जा पाएगा। तो ये ज्यादा रिवर्सेबल मेथड है और ये आजकल ज्यादा ये यूज किया जाता है। आजकल प्रेगनेंसी के बाद आप लोग फीमेल में देखते हो ट्यूबेक्टोमी ही किया जाता है, जो किया जाता है क्या है ट्यूबेक्टोमी ही किया जाता है। और इसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, लेकिन ये बहुत सारे जो मैंने बताया मेथड कंट्रासेप्टिव मेथड में कुछ साइड इफेक्ट भी है, वो क्या क्या देख सकते हो आप लोग, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, नाउसा हो सकता है, एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है कभी कभी आप लोग को, नाउसा एब्डोमिनल पेन, ये आपका वायरल डिजीज है एब्डोमिनल पेन, पेनियल डिजीज, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में भी हो सकता है, या ब्रेस्ट कैंसर लाइक दैट, ऐसे ब्रेस्ट कैंसर भी फीमेल में हो सकता है। ये ओरल पिल से वगैरह वगैरह यूज करने से कंट्रासेप्टिव मेथड में ये साइड इफेक्ट भी हो सकता है कभी कभी, ये दिया गया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक खत्म। आप लोग अगर क्लास लिए हुए होते तो मैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आप लोग का कंप्लीट कर दिया होता, आज का ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया होता। तो चलो कोई बात नहीं, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी और जो आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है जीआईएफटी जेडआईएफटी नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन जब मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको क्लास करने के लिए तो सारे लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है सर? केमिस्ट्री मास्टर भी पागल टाइप दे दीजिएगा। अनुराग सर आगे क्या, अनुराग सर आगे हे दरवाजा थिला मैं कॉल करू छ रहा अबे बढ़िया केमिस्ट्री हाँ सर लॉगिन कीजिए सर। हाँ सर, अरे कोई ग्रुप में यूजर आईडी पासवर्ड भेजो तो रे। हाँ सर, ये भेड़िया के यूजर आईडी पासवर्ड जोना नहीं ये बार डेली तीन थर पठाओ जोना रु ये नहीं करना जी जी बिहारी माने सब इंटर पर आर गुटे तमर से फिजिक्स बिहारी केंता करू छी अरे मुंह गरम कर दो जे नाना पाटे पर बोली छे बाबू नाडू ही मैथ मास्टर के फोन कर दिला बेला अपन को ए मैथ मास्टर फोन कर दिला बेल ये यानी को केते ले कर दिला मैं तो कल पर दिन बाहर के जाई थेले नी थे मते पर फोन कर दिला ए पठालो के फोन ने ऊपर पठलो के ग्रुप रे केन छ एक्टिविटी टेस्ट माने दो छ किने पिले टेस्ट माने एनटीए रे पुडे टेस्ट के पुडेटा टेस्ट के सारलो न रे पुडे नै तो पांचटा जाई छ हां पांचटा जाई छ करो करो सब टेस्ट माने दियो फटाफट बुझलो के नै। हाँ सर, टेस्ट माने नहीं दबा बोले नहीं हुए सर।